अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। और आज हम बना रहे हैं क्रीमी चिकन कढ़ाई। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। मैंने सब कुछ पहले से तैयार कर लिया, तो मैं सीधा प्रोसेस पे आती हूँ। पहले मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाला। जितनी आपकी चिकन होगी उसके लिहाज से आप लोग ऑयल डालेंगे, और इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ये आहिस्ता आँच पे ही करें तो बेहतर है, क्योंकि जब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें तो वो जलेगा नहीं और अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। तो ये अब फ्राई, आई थिंक ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें थोड़ा सा धनिया डाल के मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना, उसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे। हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट हो चुका है ब्राउन। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल एक चुटकी। ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि चिकन में कुछ नर ना आए। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन ऐड कर लिया मैंने। अब इसको चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब तक चिकन वाइट नहीं होती तब तक इसको इसी ऑयल में फ्राई करना है। उसके बाद हम बाकी मसाले डालेंगे। हमारी चिकन हो चुकी है वाइट, तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और सब्ज मिर्च। साथ ही हम लोग डालेंगे रेड चिली पाउडर। हस्बे जायका, आप अपनी मर्ज़ी से मसाले डालें। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप स्पाइसी बना सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो आप वो भी बना सकते हैं। चिली फ्लेक्स। उसके बाद हम डालेंगे हल्दी, हल्दी पाउडर, और इसमें हम डालेंगे अब आखिरी चीज़ जो कि है सॉल्ट यानी नमक। अब इसको फ्राई होने दीजिए। मसाले वगैरह सब कुछ जैसे आप देख रहे हैं इसमें एब्जॉर्ब होने लग गए हैं, और चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया। तो अब इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डालेंगे। पाउडर भी ले सकते हैं आप, ज़ीरा प्लेन भी ले सकते हैं, और इसको हम ढक के रख दें। हमारी चिकन हो चुकी है, पानी ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे दही। दही का फ़ायदा ये होगा कि चिकन एक तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटेगी, और उसके अलावा इसमें बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। इतना सा दही डालेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे। आप पहले दही को पतला करके बाद में भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैंने दही डाल के उसके अंदर फिर पानी डाला। अब इस दही को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ऑयल में, जब तक ये बिल्कुल सूख नहीं जाती तब तक। उसके बाद हम कुछ और ऐड करेंगे। हमारा दही ऑलमोस्ट सूख चुका है, ऑलमोस्ट या सूख ही चुका है, इसमें अब ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। मैं आधा डब्बा यूज़ कर रही हूँ नेस्ले क्रीम का। इसको अच्छी तरह से डाल के मिक्स कर लेंगे। ये फिर अब मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी, इसमें सब्ज़ धनिया और लेमन डाल दिया। अब इसको हम आराम से खा सकते हैं।